का ही परिणाम है कि भुजा हेड ऊपर की ओर तथा सीधी नीचे की ओर होती है, अर्थात आधे चक्र में धारा की दिशा दक्षिणावर्त आधे चक्र में धारा की दिशा वामावर्त होती है। इससे इसे प्रत्यावर्ती धारा धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिनकी दिशा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात समय के साथ बदलती नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा ऐसी धारा जिसकी आवृत्ति जिसकी दिशा समय के साथ बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात कुंडली को 1 सेकेंड में 50 बार घुमाया जाता है। कुंडली को 1 सेकेंड में बस 50 बार घुमाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहती है या समय के साथ बदलती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में कुंडली को 50 बार घुमाया जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा की निर्भरता यानी प्रत्यावर्ती जनित संयुक्त धारा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? धारा जनित संयुक्त धारा की निर्भरता प्रत्यावर्ती धारा जनित संयुक्त धारा प्रत्यावर्ती धारा जनित से उत्पन्न धारा उत्पन्न धारा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है कुंडली में फेरों की संख्या पर, जितने कुंडली में फेरे अधिक होंगे धारा का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा है कुंडली के क्षेत्रफल पर, जितनी कुंडली बड़ी होगी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा है कुंडली के घूर्णन वेग पर, कुंडली को जितना तेज घुमाएंगे धारा का मान उतना ही अधिक होगा। और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र पर, जितना चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा।
पहला तर्क है कुंडली में फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर। दूसरा कुंडली के क्षेत्रफल, जितनी कुंडली बड़ी होगी धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा, कुंडली के क्षेत्रफल। तीसरा है कुंडली के घूर्णन में, कुंडली को जितना तेज घुमाएंगे धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा, कुंडली के घूर्णन में। और चौथा कारक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जितने चुंबकीय ध्रुव शक्तिशाली होंगे उतना ही धारा का मान भी शक्तिशाली होगा। तो प्रत्यावर्तित धारा से स्वतंत्र धारा का मान किन कारकों में करता है? पहला कुंडली के फेरों की संख्या पर, दूसरा है कुंडली के क्षेत्र पर, तीसरा है कुंडली के घूर्णन वेग पर, और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। अब अगला धारा जनरेटर भी प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की भांति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस धारा जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लेकिन इसमें उत्तर धारा की दिशा, लेकिन इस ऊर्जा से उत्पन्न बस इस विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न धारा की दिशा दिशा समय के साथ नियत रहती है, समय के साथ नियत रहती है, इसलिए इसे दिशा धारा कहते हैं। कहते हैं बेटी लेग्लासी सेल शीशा संचयी सेल इनसे इस धारा उत्पन्न होती है। बेटी शीशा संचयी सेल इस धारा उत्पन्न आदि से मेरे कार्य पहले मैं चित्र बना देता हूं इस धारा जनित का।
only A, B, C, D. The armature set chumbak ye hai commutator to C1 or C2. C1 or C2. ये कार्बन के कुछ से B1 कुछ का समान बाय के कुछ से क्या रहता है ये कुछ B2 ये प्लस माइनस पट्टेवर्ती धारा और इस धारा चरित्र में केवल इतना अंतर है कि पट्टेवर्ती धारा चरित्र में यहाँ पर सर्दी वजह थी, लेकिन यहाँ पर उसके स्थान पर विभक्त वलय का प्रयोग किया था। विभक्त वलय एक ही धातु के वलय को काट कर दो बराबर भागों में काट कर बनाए जाते हैं। इन विभक्त वलयों का संबंध कार्बन के दो गुच्छ P1 और P2 के साथ खटिया जाता है। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्लेट्स में परिवर्तन के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। उस B1 व B2 की स्थितियां इस प्रकार समायोजित की जाती है कि आधे घूर्णन बाद C1 के स्थान पर C2 और C2 के स्थान पर C1 आ जाता है, लेकिन जो कुश है ये अपना स्थान बदलकर B1 C2 के स्थान पर तथा B2 C1 के स्थान पर आ जाता है। इसलिए बाह्य परिपथ में धारा की दिशा लगातार B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इसको इस धारा कहते हैं। समान ही बात होते हैं। इस धारा चरित्र में प्रत्यावर्ती धारा चरित्र भी समान ही प्रत्यावर्ती धारा चरित्र समान ही समान ही बात होते हैं। लेकिन अंतर यह है कि यहां पर सती वाले के स्थान पर सती वाले के स्थान पर स्थान पर दिक परिवर्तक के रूप में दिक परिवर्तक के रूप में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। विभक्त वाले एक ही धातु के वलय को दो बराबर भागों में काट कर विभक्त वाले एक ही धातु के विभक्त वाले धातु के एक ही वलय को दो बराबर भागों में काट कर भागों में काट कर बनाए जाते हैं।
commutator C1 where C2 get. जब पुल्ली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र को पुकारती है चुंबकीय क्षेत्र को पुकारती है जिससे चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है रहता है यह वायु प्रकृति में वायु प्रकृति में धारा प्रवाहित होती है